अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है आपको। मशवरा देने का मतलब अपने आप को खतरे में डालना। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग रोक दी जाए। ये मोबाइल थोड़ा प्लीज, बहुत अदब के साथ मेरी गुजारिश भैया, ये मोबाइल बंद बेटा, बंद। उसका सबब सिर्फ यही है, उसकी वजह सिर्फ यही है, मैं चाहता हूँ मुझे वही लोग सुने जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं नहीं चाहता आप उनके लिए रिकॉर्ड करें जो आराम कर रहे हैं, कल आप उनको सुनाए। तो मैं जी कुछ आवाज आई, जी जी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मुझे देखिए क्या है कि जब आप कुछ कहेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा। मुझे आपके जुमलों से बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि आपका रिएक्शन मुझ तक आए। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। थोड़ी देर के लिए मुझे मुझसे जुड़ जा, मुझे अच्छा लगे। इजाजत है, क्योंकि जो आप इस वक्त बैठे हैं आपको बड़ी शायरी सुनना है, बड़े भाई अज़म शाकरी साहब को सुनना है, तो मैं कुछ सुनाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको वो शायरी सुना रहा हूं जिसमें थोड़ी कम दाद मिलती है, ये मुझे मालूम है। मैं हंगामा चाहे जब कर दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। ये जो खाली कुर्सियां ना, ये भी तालियां बजाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन उससे कबल मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। इजाजत, मतलब यूं सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। अज़माई सुनेगा हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। कोई बात नहीं। जब ये कल YouTube पे सुना जाए तो ये भी कुछ शायरी भी सुनाई गई थी, इसलिए कुछ शेर सुना। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। जब मैं आपको तरन्नुम में सुनाऊं तो आप समझ लेना मैं आपको वो शायरी सुन। जब मेरी कोई शायरी कमजोर होती है तो मैं उसे गाकर सुनाता हूं, तरन्नुम में सुनाता हूं। अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती, उम्मीद करके आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को माफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना, इतनी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, आपने बहुत अच्छा सुना। थोड़े से आप बेदार होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। एक मत और पढ़ता हूँ कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। सुनिएगा मेरे मुअज्जज़ मेहमानान तशरीफ रखते हैं, आपसे थोड़ी दुआएं मांगता हूँ। आप मेरे सही मोहतरमी हैं, मतलब पेश करता हूँ। सुनिएगा, पेश करता हूँ कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मेरे मना करने के बावजूद जो लोग वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से, अल्लाह कर उनके मोबाइल में वायरस आ जाए। वाह वाह वाह, अल्लाह कर, अल्लाह कर। सुनिएगा, ये सब आपको मिल जाएगा तो आप फ्रेम बनाने में लगे मेरा नुकसान होगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। अमर उजाला, अमर उजाला, अमर उजाला। देखिए, ये मीडिया के लोग हैं, अगर ये बात नहीं करें तो काम चलेगा कैसे? है मेरा झूठ का कारोबार। वाह 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 वाह, अगली पंक्ति अगले मिसरे पर आप अपने आप को रोक कर बताना बताना। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, कि मैं एक पत्रकार हूं। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ खड़े जोरदार तालियों में ताइद कर मैं पेश करता हूं। सुनेगा, वाह 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 वाह, क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये गुल मेरी जानिब से आप सबके लिए, और एक बहुत अदब के साथ गुजारिश, गुल पोशी रोक दी जाए, मुझे अच्छा लगे। सब ये यकीन जानिए, अगर आप खामोश हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं गुल मुझ तक पहुंचाए। तो मैं चाहता हूं बस वहीं से दुआएं दें मेरे। देखिए आप थोड़ा सा, बहुत शुक्रिया, मैं चाहता हूं थोड़ा सा जुड़े रहे। मैं देखिए डाइवर्ट हो गया जरा सी चहलकदमी से, मैं डाइवर्ट में कुछ सुना रहा था, सुनाने कुछ लगा, सुनेगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। देखिए वाह, आप लोग जो हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ, और खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। मैं जब मुशायरेबाजी करूंगा आप कुछ भी करें, जब मैं आपको तहत में सुनाता हूँ ईमानदारी सुने कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, पूरे एतमाद है शाहगंज जौनपुर खामोश नहीं बैठेगा। पेश करता हूँ खुर्शीद भाई, भाई शेर सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। आप शायरी सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, वरना यकीन जानिए हम बैठे बैठे बहुत डर रहे थे कि आज आप किस मूड में बैठा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार जोर दार ताली आप अपने उर्दू नवाजी के लिए, उर्दू दोस्ती के लिए बजा दी, बहुत अच्छा लगा। कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, बैठ जाइए। देखिए जब आप खड़े हो जाते हैं तो खतरनाक हो जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, और अल्लाह से दुआ करता हूँ ऐसे दौर में आप हंस रहे हैं, अल्लाह करे इस मुस्कान को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मतलब इशारों में बोलूंगा, आप थोड़ा सा ताइद करेगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा, मेरे रकीब मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। वाह वाह, मेरे रकीब मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। वाह 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 वाह, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज्म में बोली लगी मेरे सर की, बंद क्यों नहीं कर रहा मोबाइल, मेरे पास भी है, मान जा रख ले जेब में, मान जा अब तू, अब मेरे भाई, अब तू मेरी वीडियो बनाएगा, कल अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, अब मैं किस किस को संभालूंगा यार, किस किस को संभालूंगा। सुनेगा, पेश कर, इजाजत है तेरे मतलब का एक मेरे पास, मैंने एक मतलब कहा है कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, आपने लिख के दिया क्या, तो सुनो ना, रिपीट क्यों कर रहे हो। आप लोग भी थोड़ा सा जुड़े हैं, इधर नौजवान बैठे तो हाथ उठाकर बताएं, तो ये मुझे मतलब, अच्छा एक नौजवान बैठा, मैंने नौजवान बैठे तो कह रहा है, मैंने हाथ उठाने को कहा है नए नए तरीके से, तो सुनिए मुझे ये पता चलेगा कितने नौजवान बैठे हैं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तनहाई की हैबिट नहीं है। अगला शेर जरूर समझ में आएगा, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तनहाई की हैबिट नहीं है। आजम शाकरी साहब बैठे हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी को अंग्रेजी काफियों में गजल बनाता हूँ, शेर सुनिएगा आजम भाई, सुनिएगा कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तनहाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। वाह 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 वाह, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं, एग्जिट नहीं है तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। वाह वाह, मैं उससे पूछ लूं हालात
नौजवानों, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि जो मुझे अपने बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। मैं कभी गजल का मैयार नहीं गिरने दूंगा। शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा कि मैं उससे पूछ, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। मैं उससे पूछ लूं हालात उसके, मुझे इतना भी अब राइट नहीं है। अच्छा, ये काफी है, थोड़ा सा बाउंस हुआ। मैं उससे पूछ लूं हालात उसके, मुझे इतना भी अब राइट नहीं है। सुनना नौजवानों, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। मतलब सुने के दिलो दिमाग से सब कुछ निकाल रखा है। अजमाई दिलो दिमाग से सब कुछ निकाल रखा है, तुम्हारे नाम का ताबीज डाल रखा है। दिलो दिमाग से सब कुछ निकाल रखा है, तुम्हारे नाम का ताबीज डाल रखा है। एक मतलब और सुना, खास तौर से पेश करता हूँ बतौर खास, मुझे अच्छा लग रहा है आप मेरे साथ जब ईमानदारी से मुझे सुन रहे हैं तो मेरी ईमानदारी से सुनाना चाहिए। मतलब यूं सुन ले के तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, वावा करना पड़ता है। अब मैं देखूं किस किसकी वावा ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना, आप भी दाद दे सकते हैं। मैंने अभी ऐसा शेर नहीं सुनाया कोई कि आप मुझे मुझसे खफा हो या नाराज हो, आप दाद दे सकते हैं कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना एक बहाना था। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। मुझे बहुत अच्छा, आप गजल सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वाह वाह वाह, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। फजा बदलती, और मतलब और सुन ले के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। इसको बिठाओ भैया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। नहीं, ये कहा गया है जैसे कि खाने के लिए अल्लाह ने दो हाथ दिए, देखने के लिए दो आंखें, तो बैठने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया है ना, इस्तेमाल करना चाहिए। बताया ये भी गया है, साइंस कहती है जो चीज हम इस्तेमाल नहीं करते वो गायब हो जाती है, तो लिहाजा सुने बैठे सुने। खास तौर पेश करता हूं मतला के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। मेरा मतलब बहुत अच्छा था लेकिन दांत कमाई। अब मैं शेर पढ़ता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह वाह, ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को। क्या बात है, क्या बात है, ये मेरा भाई इतना अच्छा है, मैं चाहता हूँ इसको अपने साथ पैक करके ले जाऊं तरन्नुम में। जी, बहुत अच्छा लगा। जी, आपके
अल्लाह इन मोहब्बतों को बरकरार रखे। आपने हुक्म दिया है तरन्नुम में, तो मैं एक शेर भी तहत में नहीं सुनाऊंगा, इजाजत है? मतलब सुना जी, बस खुदा का भरोसा है मुझको। वाह, पुराना है, पुराना है यही यही। देखिए मेरे पास तो देखिए क्या है, शायरी कभी पुरानी नहीं होती। जो लोग ये आवाज लगाए पुराना है, इसका मतलब वो जब सुने थे वो अब फिर सुन रहे हैं, इसका मतलब वो भी पुराने पुराने। लेकिन मतलब सुन ले, नहीं बेटा बात नहीं, बीच में छोटू छोटू बात नहीं, सुनेगा मतलब है, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। पहली लाइन पे लगे यहाँ कोई मौजूद नहीं है, दूसरे मिसरे पर मोहर लगाना लगाना, बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके जिंदाबाद हाशिम साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां में मुकर्रर। मैं हाजिर। हाँ, ये मतलब फिर से पढ़ा जाए। वाह, मैं हाजिर करता हूँ हाजिरी ग्रामीण खास तौर से जी जी, फिर से फिर से। अच्छा, आपकी आपकी आवाज आती है दोबारा, मुझे लगता है कि पुराना पुराना, मैं डर जाता डर जाता। अगर कोई कह भी रहा तो मैं उससे भाई से गुजारिश करता हूँ, दो मिनट मुझे दे दो, उसके बाद वो सारा काम जो वो कहेगा। देखिए मोबाइल आपके शुरू हो गए, दांत कमा रही है। देखिए सुनेगा सुनेगा, फिर से पढ़ना है पढ़ना है। बस खुदा, मुझे ये दो शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे एक नज्म सुनानी है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत। अब सुनिए, एक शेर पढ़ता हूँ खास तौर से शरी करता हूँ। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। मुझे एतमाद है अगले मिसरे पर कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत न सुनना। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। मैं जितने गुस्से से पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्से से आप सुनना पेश करता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठा जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको लग रहा है कि मुशायरा तारीखी और कामयाब हो रहा है जी, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करें, एक बार दोनों हाथ जोरदार तालियां भाई भाई खुर्शीद भाई की इस मेहनत के लिए। तालियां कमजोर है, एक बार दो जोरदार तालियां भैया खुर्शीद भाई के लिए। बस खुदा का भरोसा है मुझको और कि अब मैं आप
आपको एक नज़्म सुनाता हूँ। मैंने ये दो शेर आपको इसलिए सुनाए, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा था, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं कामयाब हुआ और यहाँ से नज़्म शुरू करता हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाई आसिफ आरन साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं आसिफ आरन साहब, भाई हलीम साहब, अजमत भाई, मैं दो दिन आसिफ आ गया आप लोग प्लीज, मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूँ और ये एतमाद है कि आप सबकी दुआएं नसीब होंगी, जो आपकी सबसे बड़ी जरूरत दो पेश करता हूँ, खासतौर खुर्शीद भाई जी जी इजाजत है, इजाजत करता हूँ, इरशाद करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहना, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ आपसे बहुत अदब के साथ, जौनपुर और शाहगंज के अच्छे लोगों, आपका सन्नाटा नहीं चाहता, आपकी ताईद मांगता हूँ, शरीक होना। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, चौथे मिसरे पर मुझे एतमाद है कोई खामोश नहीं बैठेगा, शरीक होना। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, बहुत शुक्रिया, सलाम नौजवानों, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, चार मिसरे पढ़ता पढ़ता और मुअज्जज़ मेहमानान से दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब, मैं आपसे आपसे बताना चाहता हूं, मैंने फिरोजाबाद से आपकी इस बस्ती तक का सफर तय किया है, तो ये सिर्फ चार लाइन सुनाने आया हूं, पेश करता हूं, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौन थे, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, कुर्बान जाओ नौजवानों, कुर्बान जाऊं आपकी समातों को सलाम, मैं फिर से हाजिर करता हूं, सुनिएगा, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, पेश करता हूँ, रब जिदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुजूल, रब जिदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुजूल, मुशायरा किसी शो का नाम नहीं है, एक मैसेज भी है, वाह वाह, मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह करे आपको लगे कि मैसेज है, ये आपकी जरूरत है जो मुझे आपको परोसना है, हक है, हक है, खुदा का शुक्र है, मैं मुशायरों से ज्यादा कवि सम्मेलन में हिंदी मंच पर हूँ, मैंने देश गाया है, सही, मेरे फॉलोअर्स अगर 30% आप हैं तो 70% मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, मैंने ये कमाया है, मैं तो कहता हूँ, फिर कहना चाहता हूँ, इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूँ, कमकल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं, वाह 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 वाह, हमसे क्या मतलब, हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं, हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं जिसके रसूल को हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, जी जी, हक है, हक है, पेश करता हूं, शरीक होना, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, रब जिदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुजूल, रब जिदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुजूल,
सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। सूरह इकरा आपकी वो किताब जो आपका ईमान है, उसकी शुरुआत हो रही इकरा यानी कि पढ़। बहुत शुक्रिया, मुझे ये नज़्म आप तक पहुंचानी थी। मैं आपके इस इन मोहब्बतों को सलाम अर्ज करता हूं। यहां से एक नज़्म सुनाना है, इजाजत है? मुझे बहुत से लोगों ने फरमाइश दिए, हुक्म दिया है। अच्छा अच्छा, ये मेरा भाई पीछे कुछ बोल रहा है। नहीं, अगर ये मुंह से बोल रहा हो तो मैं सुन भी पाऊं। नहीं नहीं नहीं, पत्रकार वाली, देखिए क्या है, ये प्रोग्राम भी खुर्शीद भाई का है, पत्रकार वाली, लेकिन मैं डेडिकेट करूं खुर्शीद भाई। ये मैंने एक नज्म कही जो वायरल हुई, आप तक पहुंची, ये मैंने उन सहाफी के हवाले से, उन पत्रकार, उन मीडिया के नाम जो अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं। खुर्शीद भाई, मैं खास तौर से, बैठ जा बेटा बिहारी, बिहारी मैंने तेरे उन शेरों पर दाद दी जो मेरे समझ में भी नहीं आ रहे थे, और तो अब जाने का प्लान बना रहा एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ हाशिम फिरोजाबादी साहब। मैं दो तीन बंद सुना देता हूँ नज़्म का आपको, उसके बाद मैं वो नज़्म आपको सुनाऊंगा। इजाजत है? ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, यही ना, यही ना, यही यही। तो पहले बताते मेरी जान निकली, अरे तुझे अब मजा आया है? हर मिसरे पर आवाज लगाता था, पहले बताता मेरे भाई, यही पड़ता। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज, अगला मिसरा जब तक नहीं पढ़ूं जब तक तूफान उठ नहीं जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, अगले मिसरे पर। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने। वाह 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 वाह, ताली वाली रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, तालीम ली रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, तालीम ली रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए।